खबर चमोली से। अतिक्रमण की शिकायत पर उप जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। एक तरफ जहां पहाड़ों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण का कार्य, नालियों के निर्माण का कार्य भी चल रहा है। सड़क चौड़ीकरण के दौरान अतिक्रमण की सूचना भी मिल रही है। मामला कर्णप्रयाग तहसील के गोचर का है, जहां व्यापार संघ अध्यक्ष व व्यापारियों द्वारा SDM कर्णप्रयाग को ज्ञापन देकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की सूचना दी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए SDM कर्णप्रयाग वैभव गुप्ता द्वारा NHIDCL ग्रीफ व जल संस्थान के अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचकर सरकारी भूमि पर ग्रीफ को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। NH की रोड पर अतिक्रमण का मामला सामने आया था। इसमें राजस्व विभाग के हमारे राजस्व निरीक्षक के साथ यहाँ पर जो BRO के अधिकारी और NHIDCL के अधिकारी मौजूद थे, उनके सामने ही मौके पर ये भूमि नपवा दी गई है। और 12 मीटर की जो रोड है वो NHIDCL ने अपना होना बताया गया, उसके हिसाब से उसको नाप कर वहाँ पर उनका जो कब्जा जो BRO द्वारा जो घेरबाड़ करी गई थी उसको हटवा दिया गया है और अब कोई इसमें अतिक्रमण नहीं है। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।